नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूँ सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम चलेंगे मेट्रो गार्डन और ये है बस, तो ये है बस और इस बस में चलेंगे आज हम मेट्रो गार्डन। ये जो बस है वो महाबलेश्वर टू वाई की है, आपको महाबलेश्वर टू वाई की जो बस है वो पकड़नी है और ये आपको मेट्रो गार्डन छोड़ेगी। हाँ तो ये बस जो है हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है और आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है ना वो मेट्रो गार्डन का जो चार्जेस है वो कुछ है 25 रुपीज़ है। ये देखिए है ना, तो ये लगभग जो है वो मेट्रो गार्डन आ चुका है। तो हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं यहाँ पे मेट्रो गार्डन गार्डन है वहाँ पे मैं उतर चुका हूँ और यहाँ से ये थोड़ा देखिए पहले यहाँ से आपको मैं ये मार्केट दिखा दूँ। मेट्रो गार्डन अंदर है और महाबलेश्वर से ना कुछ आधा घंटा लगता है, महाबलेश्वर बस स्टैंड से यहाँ पे इस बस में आने को कुछ आधा घंटा लगता है और 25 रुपीज़ है पर पर्सन टिकट का जो कॉस्ट। और ये देखिए यहाँ पे ना अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, मार्केट है। और ये देखिए आगे भी एक जो है वो गेट है, लेकिन मैं आपको मार्केट दिखाना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे आया। और ये देखिए ये सामने है ना मेट्रो गार्डन। तो ये बेसिकली ये जो मेट्रो जो एक कंपनी है तो उसका ये यहाँ पे ना फैक्ट्री है और वो लोग ने जो फैक्ट्री के साथ ना यहाँ पे देखिए ना गार्डन भी बनाया है। तो यहाँ पे मेट्रो के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कुछ अगर जूस रहेगा या तो वो सिरप्स रहेंगे तो वो सब यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो स्ट्रॉबेरी, ऐसे स्ट्रॉबेरी का ये मॉडल है, इसके अंदर फोटोग्राफी कर सकते खड़े रह के बच्चे लोग। और आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है मेट्रो के सारे प्रोडक्ट्स, आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। और आइए मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ, पहले आपको मेन जो गार्डन है वो मैं शो करता हूँ। ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स हैं अगर आपको जो खरीदना हो। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ से है ना जो है वो गार्डन स्टार्ट हो जाता है, वो जो खरीदने का वो जो काउंटर है सेल काउंटर उसके पीछे ही है ये। और ये देखिए ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए, और काफ़ी अच्छी प्लेस है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। पहले क्या था ना यहाँ पे ये जो सिरप जो है ना जो यहाँ पे लोग जो बेचते हैं उसका सैंपल देते थे सबको फ्री में, जो आपको पीना है वो सैंपल देते थे, अभी बंद हो गया है। और ये देखिए है ना, ये देखिए, और ये जो है ना ये एक थीम बेस है, यानी है ना ये 5-6 साल में नहीं चेंज होते रहता है। ये देखिए इस बार मैं आपको शो करता हूँ, देखिए यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपका महाबलेश्वर आना हो तो मेट्रो गार्डन में ज़रूर आइएगा। ये देखिए है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए ये नीचे आपको फिश की देखिए मछली या फिश है ना, ये देखिए है ना, ये पूरा गार्डन ही है। यहाँ पे बर्ड्स की जो है वो आवाज़ें भी आ रही है और ये देखिए कितना सुकून लग रहा है। अभी गर्मी है लेकिन यहाँ इसके सामने खड़े रह के ना एकदम ठंडा सा महसूस हो रहा है, एकदम ठंडापन सा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत। ये देखिए, तो आइए आगे बढ़ते, मैं आपको आगे भी शो करता हूँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और यहाँ से हम लोग नीचे भी आ सकते हैं, कुछ खरीदना तो आप खरीद भी सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है आपको क्या, अगर आपकी चॉइस आपको खरीदना तो आप खरीद सकते हो, बाकी यहाँ पर आप आके आप घूम भी सकते हो, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है कि ऐसा कोई है नहीं कि भाई आपको खरीदना है इसे, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो ही आपको यहाँ पर आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम यहाँ पे आके जो है वो एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। और ये देखिए सामने जो है ये रेस्टोरेंट, देखिए तो ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है, ये देखिए है ना कितना खूबसूरत, कितना
ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वैसे तो ये महाबलेश्वर तो खूबसूरत है ही, और ये मैप्रो गार्डन में काफ़ी खूबसूरत है। और यदि मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और ये देखिए यहाँ पे है ना, जो भी है मैंने आपको कहा कि जो आपको कुछ खाना वगैरह है तो आप यहाँ से है, यहाँ से आप खा सकते हो। मैं आपको उसका रेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा है और काफ़ी कुछ है, सैंडविचेस है, मैं आपको उसका शो करूँगा। ये देखिए है ना, ये मैं आपको शो करता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। ये देखिए ये है ना, आइसक्रीम भी यहाँ पे है। हाँ बस थोड़ा कॉस्टली है, मैं आपको रेट भी बताता हूँ। जूम, ये देखिए मैंने जूम कर दिया, देखिए पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, सूप्स है, बाइट्स है ना, काफ़ी कुछ है, ठीक है। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए एक मिनी फैक्ट्री सा है। तो यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सारा कुछ बनता है। ये देखिए, दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरे और भी व्लॉग्स हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा।